और आवाम, क्या हाल चाल? मैंने 2 मील रेस भागने के बाद क्या सीखा? व्हाट आई लर्न आफ्टर रनिंग 2 माइल रेस? मैं आज आपको बता दूं कि आज की वीडियो स्टोरी है, कहानी है, मेरी कहानी है, तो इसको गौर से सुनना, ठीक है? देखें, कुछ दिन पहले मैंने एक रेस में हिस्सा लिया, जो रेस में 100 से ज़्यादा लोग थे, और उस रेस का टारगेट था 2 माइल, 2 माइल्स, ओके? और हुआ ये था कि मैं रेस के लिए प्रिपेयर्ड भी था और नहीं भी प्रिपेयर्ड था, मतलब दोनों तरफ से हाँ था ना था। लेकिन जब मैंने इतने कंटेस्टेंट देखे और मैं बहुत वो हो जाता बंदा कि यार मैं तो हार जाऊँगा या मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा वगैरह वगैरह, जो भी, ठीक है, मैंने ये सब सोचा। लेकिन फिर मैंने वो वाली बात याद की जो मैंने पिछले साल भी एक बात की थी, मैंने अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, कि नेवर लुक बैक, कभी भी पीछे मत देखना जब भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने रेस शुरू की। इट वॉज़ वेरी हार्ड, वेदर वॉज़ अनस्टेबल, ठंडी गर्मी हवा व्हाटएवर, जो भी मिक्स मौसम था। मैंने रेस शुरू की 115, ऑलमोस्ट 100 समथिंग ज़्यादा लोगों के साथ, 100+ लोगों के साथ रेस शुरू की मैंने। रेस में मैं भागा भागा भागा, बहुत थक रहा था, बहुत थक रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा, क्या मैं तूने पीछे नहीं देखना, तूने ये नहीं देखना कि तूने पीछे कितने लोगों को छोड़ा, तूने ये देखना कि तेरे आगे कितने लोग हैं और उनको तूने पीछे कैसे छोड़ना है, ओके? तो मैं भागता रहा भागता रहा भागता रहा, फिर एक पॉइंट आया, मैंने सोचा मैं गिव अप कर देता हूँ, बिकॉज इट वॉज रियली गेटिंग हार्ड। तो क्या हुआ, तब मैंने बोला या तो मैं रेस जीतूंगा, मैंने रेस जीत कर पास आउट हो जाना है, कुछ भी हो जाना, मतलब गिर जाना, कुछ भी गिर जाऊंगा, लेकिन रेस में मैंने रुकना नहीं है। आई एम जस्ट गोना कीप ऑन रनिंग 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 जब तक मैं गिरता नहीं हूँ नीचे, मैंने भागते रहना। तो मैंने वही किया, मैं भागता रहा, मैं भागता रहा भागता रहा भागता रहा। इट वॉज़ रियली गेटिंग हार्डर हार्डर हार्डर। आखिर में मैंने सोचा मैं रुक जाता हूँ, वॉकिंग कर लेता वगैरह, लेकिन मैं बोला नहीं, भाग 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 भाग, ख़त्म, दैट्स इट, यू हैव टू रन, बेशक तू गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तूने भागते रहना। तो फिर क्या हुआ, मैंने भाग कर रेस ख़त्म की, एंड देन व्हेन आई फिनिश द रेस, मैंने ये देखा कि मैं पहले 15 लोगों में था, इन द फर्स्ट 15 पीपल आउट ऑफ मोर देन 100+ पीपल, ठीक है? और मैं इतना खुश हुआ, इतना ओवरवेलम हुआ, खुशी से, कि मैंने बोला यार अहमद, यू डिड इट मैन। तो मुझे ज़िंदगी का एक लेसन याद है ज़िंदगी का, वो लेसन मैं आपको बताता हूँ। वो लेसन ये है कि नेवर लुक बैक एट योर पास्ट, ठीक है, कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के मत देखना। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ज़िंदगी में हर चीज़ किसी न किसी वजह से होती है। कीप योर हेड अप हाई एंड लुक फॉरवर्ड, अपने सर को ऊपर रखो और आगे बढ़ते रहो। द मोर यू लुक बैक, द मोर ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ यू विल मिस। जितना आप ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखोगे ना, उतना आप ज़िंदगी में आगे आने वाली चीज़ों को खो दोगे या मिस कर दोगे उनको देखना। तो जब भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें, हमेशा देखें कि आगे कितनी चीज़ें हैं जिनको मैंने अचीव करना है, जिनको मैंने पीछे छोड़ना है, आई एम गोना अचीव माई गोल्स। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी, एंड इट वॉज़ अ ट्रू स्टोरी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अभी सबके साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।